बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं? खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं दुआओं आपकी परेशानी को दूर करे। चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में बच्चों के लिए प्ले हाउस है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग है, मुख्तलिफ़ तरीके के साथ बच्चों को खुश करने के लिए उनके लिए अपने हाउस में एक छोटी सी जगह पर बच्चों का प्ले हाउस बनाया जाए। वहाँ पर वो खुश पाश तरीके से अपने टॉयज़ वगैरह के साथ अपने बेडरूम में मुख्तलिफ़ स्टाइल के साथ हैं। फर्नीचर डिज़ाइनिंग है, टॉयज़ वगैरह रखे गए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं डेकोरेशन की उनके साथ। वो अपनी खुशबाश लाइफ को गुजार सकते हैं। उनको फारग टाइम में पढ़ाई से हटकर उन्हें फ्री टाइम चाहिए होता है खेलने कूदने के लिए। उनके लिए बहुत ही खूबसूरत से प्ले हाउस बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी अलग जगह पर बैठकर अच्छे तरीके से खेल सकें, अपने टॉयज़ वगैरह के साथ, अपने स्लाइड्स के साथ, अपने खिलौनों के साथ एंजॉय कर सकें। व्यूअर्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत कम जगह में बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे आप इनको डेकोरेशन भी एक तो बन जाती है और एक बच्चों के लिए अच्छा माहौल भी बन जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन वाले बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन के बारे में आगाही हो। थैंक फॉर योर वॉचिंग। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।